आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज, मैं हूं मोहम्मद नफीस आपके साथ। दिन है जुमे का और इसको मुस्लिम समाज के अंदर इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे एक बहुत बड़ा त्यौहार। तो आज हम इसी चर्चा पे पहुंचे हैं जामा मस्जिद जोरी बाजार। हमारे साथ विधायक हैं रफीक खान साहब, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। आज हम राजनीति नहीं, सिर्फ एक इस मुद्दे के ऊपर इनसे बात करेंगे। क्या विशेष होता है आज का दिन? देखिए, अलविदा जुमे की नमाज एक बहुत महत्व रखती है अपने आप में और एक तरीके से छोटी ईद के रूप में अलविदा जुमे को मनाते हैं। और मैं तमाम लोगों को, पूरे जयपुर शहर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को, सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अलविदा जुमा जो रमज़ान के महीने में जो ईद से पहले का आखिरी जुमा होता है, उस दिन अलविदा जुमे की नमाज़ होती है। और आप ये समझो कि ये एक संकेत है कि आपके रोज़े एक तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। और बहुत आसानी से, जितनी जिस तरह का मौसम था, माहौल था, गर्मी थी, और पूरे हर आदमी ने बहुत शिद्दत के साथ रोज़े रखे, इबादत करी, और पूरे देश में अमन और भाईचारे की के लिए दुआ करी। और ख़ास मैं चूँकि कांग्रेस से विधायक हूँ, इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हम सब ने ये भी दुआ की कि हमारी पार्टी को भी फतेह मिले, कामयाबी मिले। और मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को, सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी राजनीति माहौल काफ़ी गर्म है, तो प्रताप सिंह जी को आप लोगों ने मैदान में उतार दिया है, तो क्या लगता है, या प्रताप सिंह जी के बीच में कोई मुकाबला है? अब देखो, प्रताप सिंह का नाम तो हर कोई जानता है। किसी को भी पूछोगे कि जयपुर शहर से कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, तो लोग कहेंगे प्रताप सिंह। और जब बीजेपी के कैंडिडेट का नाम आएगा, तो आप जैसे जर्नलिस्ट ही संजू शर्मा बोल देंगे मंजू शर्मा की जगह। तो इसका मतलब ये है कि आवाम को ये भी नहीं पता है कि बीजेपी से लड़ कौन रहा है। तो प्रताप सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है, गरीबों की आवाज़ है, स्ट्रीट वेंडर की आवाज़ है, थड़ी ठेले वालों की आवाज़ है, ऑटो रिक्शा वालों की आवाज़ है, ऑटोमोबाइल यूनियन वालों की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ प्रताप सिंह है। और मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबी मिलेगी और चुनाव जीतेगी।